हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज आरके शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू चेंज अ सिंगुलर इनटू अ प्लूरल नंबर, मतलब एक जो सिंगुलर नंबर होता है उसको प्लूरल नंबर में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ रूल्स आपको पहले बताए थे, आगे भी हम कुछ रूल्स उसके देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो फिर से मैं उसी को लेकर के आया हूँ, जिसमें एक और नया रूल्स है कि किस प्रकार से एक सिंगुलर नंबर को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रूल नंबर 7, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम नया रूल्स लेकर के आए। एक और रूल्स जो है वो देखते हैं रूल्स क्या बोल रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, यदि किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, जो लास्ट का जो लेटर है मतलब अंतिम जो अक्षर है, वो अक्षर यदि एफ होता है या फिर एफ की स्थान पर एफ ना होते हुए एफ ई होता है, ध्यान दें या तो लास्ट में एफ होना चाहिए या एफ ना हुआ तो लास्ट में क्या होना चाहिए, एफ ई होना चाहिए। एफ ई, पहले एफ होना चाहिए उसके बाद में ई होना चाहिए। यदि ये दोनों वर्ड रहे किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई रहा तो प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देते हैं। हटाकर क्या लाया जाता है, वी ई एस लाया जाता है और इस प्रकार से प्लूरल नंबर बनाया जाता है। तो रूल्स क्या बोल रहा है, ध्यान दे एक बार हो कि यदि किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो तो प्लूरल बनाने के लिए एफ व एफ ई दोनों में से जो भी रहा, या तो एफ रहेगा या एफ ई रहेगा, जो भी वर्ड रहेगा, जो भी लेटर रहेगा, उस लेटर्स को आपको हटाना है और उसको हटा करके उसके स्थान पर क्या लगाना है, वी ई एस लगाना है, वी एस आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, देखते एग्जाम्पल्स किस प्रकार से रहेंगे इसके। लाइफ, एल आई एफ ई, लास्ट में एफ ई आ रहा है, क्या रहा है, एफ ई आ रहा है, तो एफ ई को हटा करके हम एल आई वी ई एस कर रहे हैं, लाइफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा। नेक्स्ट वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ, तो वाइफ को हटा, लास्ट में यहाँ पर भी एफ ई आ रहा है तो एफ ई को हटा करके हम वी एस ज्वाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई वी एस वाइफ, मतलब अगर एक पत्नी है तो वाइफ और एक से अधिक है तो वाइफ हो जाएगा। नेक्स्ट है थीप, टी एच आई ई एफ, अब यहाँ पर ध्यान दे कि लास्ट में केवल एफ आ रहा है ना कि एफ ई, ई जरूर है परंतु ई एफ के पहले है ना कि बाद में, तो यहाँ पर केवल एफ है तो हमें केवल एफ को ही रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा, टी एच आई ई वी ई एस थीव्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिफ, लिफ में लास्ट में एफ आ रहा है तो यहाँ पर भी हम एफ को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और एफ के प्लेस पे क्या आ जाएगा, लिव्स हो जाएगा, मतलब कि लिफ मीन्स एक पत्ती, लीव्स मतलब कहीं पत्तियां। हाफ, हाफ में भी कंडीशन है, एफ को हटा करके हम वी एस ज्वाइन कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। लॉफ, लॉफ का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट सेल्फ, सेल्फ का सेल्फ्स हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारे नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू, यहाँ पर भी एफ ई आ रहा है तो एफ ई को हटा करके हम वी एस ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना आपको कि यदि सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई रहेगा तो हमें एफ व एफ ई दोनों को ही हटाना है और उसके प्लेस पे आपको वी एस ज्वाइन करके के प्लूरल बनाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रूल्स, इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।